नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। लोक आस्था के कई रंगों से सजा छठ पर्व की छटाहर और बिखरी हुई है। नहाय खाए और खरना के बाद अब तीसरे दिन यानी कि आज शाम के अर्घ की तैयारी है। अस्ताचल गामी सूर्य जब पश्चिम दिशा में अपने लोक की ओर जा रहे होंगे तो व्रती महिलाएं और पुरुष उन्हें अर्घ देंगे। आज दिया जाएगा सूर्य को अर्घ। आज बुधवार की शाम अस्ताचली गामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। गुरुवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद महापर्व छठ का संपन्न होगा। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ देने का समय शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच और उदयगामी सूर्य को अर्घ देने का समय सुबह 6:41 से है। शाम में अर्घ गंगा जल से दिया जाता है जबकि उदयगामी सूर्य को अर्घ कच्चे दूध से दिया जाता है। डूबते सूर्य को दिया जाता है अर्घ। श्रद्धालु घाट पर जाने से पहले बांस की टोकरी में पूजा की सामग्री, मौसमी फल, ठेकुआ, कसर, गन्ना आदि सामान सजाते हैं और इसके बाद घर से नंगे पैर घाट तक पहुँचते हैं। इसके बाद स्नान कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पहला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ हिस्सों में मनाए जाने वाले इस पावन पर्व को बहुत ही शालीनता, सादगी और आस्था के साथ मनाने की परंपरा है। मान्यता क्या है? ऐसी मान्यता है कि शाम के समय सूर्य देवता अपनी अर्धांगिनी देवी प्रत्युषा के साथ समय बिताते हैं। यही कारण है कि छठ पूजा में शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्यास्त का समय, सूर्य को अर्घ देने के लिए सूर्यास्त का समय शाम 5:30 पर है और छठ पूजा के चौथे दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:41 पर है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।